प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, हम आंकी प्रश्न की फिर से बात कर रहे हैं। चैप्टर हम 14 के अंदर आंकी प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए, हमारा आंकी प्रश्न है, हमारा जो पहला इसमें जो आंकी प्रश्न है वो इस तरह से है कि भाई बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग धैर्य 6564 एंगस्ट्रम है, तो हमें रीड बर्ग नियतांक तथा तरंग संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बामर श्रेणी के लिए हमें प्रथम रेखा का जो तरंग धैर्य है वो है 6564 एंगस्ट्रम जो हमें दिया है, और हमें रीड बर्ग नियतांक जो है और हमें तरंग संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, भाई हमें मान दिया है बामर श्रेणी के लिए, जो तरंग धैर्य है हमें इसका मान दिया है, और ये हमें दिया है लैम्बडा बी बराबर 6564 एंगस्ट्रम, हमें भाई ये मान दे रखा है, हमें बामर श्रेणी के लिए तरंग धैर्य का मान दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक तो जो नियतांक होता है रीड बर्ग नियतांक इसका मान ज्ञात करना है, और हमें जो तरंग संख्या है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें एक तो जो रीड बर्ग नियतांक हमें तो एक तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है, और एक हमें जो तरंग संख्या होती है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, तरंग संख्या। ये न्यू बार होती है, तो हमें दो मान ज्ञात करने हैं, एक तो आर का मान ज्ञात करना है, आर यहाँ रीड बर्ग नियतांक है और यहाँ जो न्यू बार है वो तरंग संख्या है, हमें इन दोनों के ही मान ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे सूत्र, देखो अपन जानते हैं, तो हम जानते हैं बामर जो श्रेणी होती है, बामर श्रेणी के लिए वही जो तरंग धैर्य होता है वो होता है 1/λb बराबर आर इंटू वही सेम 1/(n1)² - 1/(n2)² ठीक है भाई, ये हमारा होता है तरंग धैर्य का सूत्र बामर श्रेणी के लिए। अब देखो, बामर श्रेणी अपन जानते हैं कि स्पेक्ट्रम के अंदर नंबर 2 पे आती है, तो इसके लिए जो n1 का जो मान है वो क्या हो जाएगा भाई, 2, और n2 का जो मान हो जाएगा 3, क्योंकि बामर श्रेणी नंबर 2 पे आती है, इसलिए इसका मान इसके लिए जो n1 का जो मान है कक्षाओं की संख्या वो क्या हो जाएगी, 2, और n2 हो जाएगा 3। वही यहाँ पे हम दोनों के मान रख देंगे, r का मान हमें ज्ञात करना है ही, और हमें लैम्बडा बी का मान हमें दिया है, भाई यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 1/λb बराबर आर इंटू एन, उनका मान 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग 4, और 1/3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 और 4 का लेंगे लेस है लघुतम भाई, तो 1/λ जो बी है ये बराबर हो जाएगा भाई आर, तो इसका नियतांक है यहाँ इसका 36 का आ जाएगा लेस है लघुतम, तो इसमें 4 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 4 9 36 9, और ये जाएगा 4 बार 9 चौक 36, अब 9 में गए 4 तो भाई यहाँ 5 बचेंगे, तो 1/λb बराबर ये 9 में गए 4 ये बच गया 5 4/36 यहाँ बच गया भाई, हमें आर का मान तो ज्ञात करना है ही। अब देखो आगे, तो यहाँ इनको आपस में वज्रगुणा कर लो भाई, इसको इससे ये हो जाएगा 5 4 × λb और हो जाएगा 36,
हमें R का मान ज्ञात करना है भाई। तो देखो यहाँ से जो R का मान है वो हो जाएगा 36 बटा 5 इंटू लैम्बडा बी। अब देखो भाई आगे R का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा R इक्वल देखो 36 का रहेगा 36, और भाई 5 गुणा जो लैम्बडा जो बी का मान हमें दिया हुआ है 6564 एंगस्ट्रम में जो मान दिया हुआ है वो हम यहाँ पे मान रख देंगे 6564 एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम इक्वल क्या होता है भाई 10^-10 मीटर होता है, इसलिए इसका मान चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 36 में इसे गुणा करके सब भाग लगाएंगे तो ये R का मान हमारा आ जाएगा, यहाँ पे जो R का मान है ये आ जाएगा 1.09737 × 10^7 मीटर इनवर्स, ये इसका भाई मान आ जाएगा इस नियतांक का। यहाँ पे R होता है रिडबर्ग नियतांक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया, हमने R का मान निकाल लिया। इसमें तो आगे और कह रहा है आपको कि यहाँ पे जो हमें जो तरंग संख्या है वो भी ज्ञात करना है। अब भाई देखो जो तरंग संख्या है, तरंग संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 1/λ भाई। अब लैम्बडा का मान हमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ से न्यू बार बराबर 1/λ दिया हमें 6564 एंगस्ट्रम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -10 मीटर। अब भाई न्यू का जो हम बार का जो मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 10^5 जो है, तो ये इसका मान आ जाएगा न्यू बार बराबर 15 × 10^5 जो है 5। और अब जो कि तरंग संख्या है तो आगे इसका जो मान है वो जो है आप देखो लैम्बडा बी जो मीटर है तो यहाँ मीटर आ जाएगा इनवर्स में, इस तरह से जो हमने इसका मान ज्ञात किया। तो ये हमारा जो है तरंग जो संख्या है उसका मान जो है ज्ञात हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद में हमारा जो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसके बाद में उसको हम सोल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो ये इसमें हमें दे रखा है, हमें इसके अंदर दिवी के जो आयनित जो है दिवी आयनित जो लिथियम जो परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसमें हाइड्रोजन सदृश होता है, तो हमें इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण का हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो वही हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हमें इसमें जो है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। देखो नंबर एक पर हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो इसमें N1 का मान दिया है 1 और भाई N2 का मान दिया है 3। लैम्बडा का मान हमें ज्ञात करना है और ये दिया है लिथियम परमाणु के लिए, तो भाई इसके लिए सूत्र हो जाएगा तरंग दैर्ध्य बराबर यानी 1/λ इक्वल हो जाएगा Z² R इंटू 1/1 भाई N1 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 1/N2 का स्क्वायर भाई। दोनों मान हमें दे रखे हैं, N का मान दे रखा है, N2 का मान दे रखा है, R का मान नियतांक फिक्स होता ही है, Z का मान 3 हो जाएगा। देखो इसमें तो लिथियम परमाणु है इसलिए भाई Z का मान यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/λ बराबर 3^9 R 1/N का मान जो है 1^1 और ये हो जाएगा 3^9 भाई। तो 1/λ बराबर 9 R या लघुत्तम लेंगे इसका 9 आ जाएगा, तो 9 − 1 तो 1/λ बराबर 9 R 8/9, ठीक है भाई 9 से 9 कट जाएगा तो 1/λ इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे भाई 8 R बचेगा। अब हमें लैम्बडा का मान ज्ञात करना है तो लैम्बडा का मान हम ज्ञात करेंगे यहाँ क्या जाएगा 1/8 R आ जाएगा भाई। R का मान हम जानते फिक्स होता ही है तो 1/λ बराबर 1/ भाई यहाँ पे R का मान कर देंगे 1.09
9 7 3 जो है 7 × 7 गुणा 10^7 ठीक है भाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो लैम्डा का मान है वो लगभग यहाँ पे 114 एंगस्ट्रम के समथिंग मान इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला इसका पार्ट। इसका एक पार्ट दूसरा और भी है कि उत्तेजित निकाय के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, भाई हमें स्पेक्ट्रम जो रेखाएं हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखो जब हमें स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है तो इस तरह से होता है, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या भाई ये सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 1/2 होता है भाई। अब यहाँ देखो n का मान क्या लेंगे हम, किस परमाणु के लिए याद कर रहे हैं, अगर लिथियम है तो 3 हो जाएगा, हीलियम 2 हो जाएगा, तो हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो संख्या आ जाएगी 3 3 − 1/2 ठीक है भाई। और यहाँ आ जाएगा 3, इसमें 3 में गया 2 बचेंगे, 2 से 2 कट गया दिया जाएगा 3, तो ये संख्या आ गई 3 भाई ठीक है। इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे ठीक है। थैंक यू।